जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगातार दूसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही बंद है। ज्वाहर टनल के आसपास वाले इलाके में हो रही बर्फबारी और रामबन जिला में दर्जनों स्थानों पर पत्थर गिरने की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि मौसम में सुधार होने के बाद हाईवे पर बर्फ और मलबे को हटाने का काम किया जाएगा। हाईवे पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही फंसे हुए वाहनों को छोड़ा जाएगा। पुलिस और प्रशासन ने भी लोगों को खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ना जाने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। ऐसे में हाईवे पर वाहनों की आवाजाही कब शुरू होगी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाईवे बंद होने की वजह से रामबन से लेकर टिकरी तक 2,500 के करीब वाहन फंसे हुए हैं। लगातार बारिश और सर्दी की वजह से वाहनों में फंसे लोगों की परेशानियां और दिक्कतें बढ़ गई हैं। जैसे कि आप खुद ही देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये हाईवे, नेशनल हाईवे, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग से बंद है ड्यू टू कंटिन्यू स्नोफॉल और रेन्स वगैरह हमारे जो सेक्शन में चल रही है। अभी भी इस टाइम भी हमारी जो जेटी है, जेटी के दोनों साइड इस टाइम स्नो है और क्लियरेंस का काम चल रहा है, लेकिन कंटिन्यू स्नोफॉल कश्मीर की साइड चल रही है कंटिन्यू। तो आज तो बड़ी कम पॉसिबिलिटी है कि आज ये थ्रू हो पाएगा, और जब भी ये थ्रू होता है पॉसिबल हमारी यही प्रेफरेंस रहेगी जो हमारे स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं जो बनिहाल और रामबन में जो फंसे हैं लोग, इनको किसी तरीके से निकाला जाए। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अभी अगले 3-4 दिन जो है वेदर प्रेडिक्शन जो यही है कि स्नोफॉल और रेन्स कंटिन्यू रहेंगी, कि अभी आप कोई भी प्रोग्राम वैली की तरफ ना ही बनाए। तो जैसे ही ये थोड़ा भी मौसम खुलते हैं उसके बाद आप आ सकते हैं, और लैंडस्लाइड्स हमारा जो सारा स्ट्रेच जो है रामबन आनवर टूवर्ड्स पंथियाल और मरोग एरिया सारा मिला के ये सारा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड शूटिंग स्टोन्स की पॉसिबिलिटी रहती है, हमेशा बनी रहती है, और रिस्क है। इस टाइम जब भी रेंज खत्म होती है उसके बाद पैसेंजर्स को अपील की जाएगी कि बाद में अपना प्रोग्राम बनाए।